दोस्तों जब आप कोई पीसी या फिर लैपटॉप खरीदने जाते हो तो तब बस आप एक ही चीज देखते हो कि उसके अंदर प्रोसेसर कितना दिया गया है और रैम कितना दिया गया है। लेकिन उसके अंदर भी आपको और एक चीज जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वो है हार्ड डिस्क और एसएसडी के बारे में। दोस्तों बेसिकली आज मैं इसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि हार्ड डिस्क और एसएसडी के अंदर डिफरेंस क्या है, जो कि मैं इस वीडियो के दौरान मैं बताऊंगा। आई होप कि आपको इसके बारे में मालूम होगा, लेकिन अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो दोस्तों फिर भी यह वीडियो देखो, क्या पता कि आपको और कुछ जानने को मिल जाए। और अगर आप इसके अंदर कोई भी नॉलेज नहीं रखते हो ना हार्ड डिस्क और एसएसडी बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आप ये वीडियो को जो फास्ट और लास्ट वीडियो देखिए, उसके बाद ही पीसी खरीदिए, क्योंकि रैम और प्रोसेसर तो सही है, लेकिन आपको जो है हार्ड डिस्क को भी देख के लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों हाय, मेरा नाम है राहुल और स्वागत करता हूं आपको मेरे चैनल कैप्टन पीसी गेमर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएसडी के बारे में, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में। हार्ड डिस्क ड्राइव दोस्तों एक मोटा सा चीज होता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। एज कम्पेयर टू एसएसडी, एसएसडी बहुत पतला होता है, हार्ड डिस्क बहुत ही ज्यादा मोटा होता है। और इसका मोटा होने का रीजन भी है, जैसे कि दोस्तों ये इसके अंदर जो है ये एक रिवॉल्विंग हेड लगा हुआ होता है, बहुत ये देखने में कांच का एक डिस्क जैसा होता है। डिस्क आपको पता ही होगा, जो कि सॉफ्टवेयर का कैसेट वगैरह होता है ना, वो ही चीज वैसे ही होता है, लेकिन वो कांच का बना हुआ होता है। तो खैर, वो जब भी वो मूवमेंट करता है तभी जो है वहां पर जो आपने जो भी डाटा कलेक्ट किया है वो वहां पर सेव हो जाता है। अब इसका बहुत सारा एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज है, तो सबसे पहले एडवांटेज की बात कर लेते भाई। इसके अंदर बस यही होता है कि आप जब भी कोई काम करते हो तो आपका स्पेस का जरूरत पड़ता है, और वो स्पेस बहुत ही कम दाम में, चीपेस्ट प्राइस में जो है आपको बहुत ज्यादा स्पेस जो है यहाँ पर आपको दे देता है, आपको मिल जाता है। और डिसएडवांटेज बस यही है कि अगर ये आकर आपके हाथ से गिर गया तो 99% चांस रहता है कि आपका हार्ड डिस्क जो है वो गया। और दोस्तों इसका स्पीड जो है बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। अभी ये डिपेंड करता है कि आप कितना आरपीएम में ले रहे हैं। आरपीएम का मतलब दोस्तों यहाँ पर हार्ड डिस्क का स्पीड के मामले में जो है यहाँ पर दिखाता है, बहुत सारा आरपीएम का होता है। अब जब लेंगे तो आप वहां पर कैलकुलेट करके ही लेंगे, तभी आपको जो है स्पीड मिलेगा, लेकिन फिर भी एसएसडी से तो कम ही होगा। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं एसएसडी का। तो दोस्तों अभी ये जो एसएसडी है दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा स्लिम है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। अभी ये स्लिम है और ये बहुत ही हल्का भी होता है, और ये अगर आपके हाथ से गिर भी गया तो भी कुछ नहीं होने वाला है, बहुत ही कम ही ऐसा चांस रहता है कि खराब हो जाए, लेकिन खराब होता ही नहीं है। इसके अंदर जो है वो चिप जैसा ही होता है, वो आपको मोबाइल में जो होता है ना एसडी कार्ड, बस वैसा ही होता है, तो इसीलिए वो खराब होता नहीं है। अभी दोस्तों इसका स्पीड जो है बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। और इसका और एक चीज बुरी चीज है, जैसे कि ये जो है ना दोस्तों बहुत ही ज्यादा प्राइस है। मान लीजिए कि 3,000 रुपए में आप एक एसएसडी ले रहे हो और 3,300 रुपए में आप एक हार्ड डिस्क ले रहे हो, तो हार्ड डिस्क जो है वो आपको 1 TB आपको मिल जाएगा 3,300 रुपए के अंदर एक आपको हार्ड डिस्क मिल जाएगा। और वही अगर आप 3,000 रुपए देते हो तो आपको जो है वो 240 GB का आपको जो है एक SSD मिलता है। तो इसका जो कीमत है दोस्तों बहुत ही ज्यादा है SSD, लेकिन आपको इसे चलाने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अभी बात करते हैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से। अगर आप एक PC बिल्ड कर रहे हो, अगर आप अपने लैपटॉप में लगाना चाहते हो तो कौन सा लगाओगे, हार्ड डिस्क या फिर SSD? बहुत समय ऐसा भी होता है ना कि जब आप कोई PC बिल्ड कर रहे हो तभी आपका माइंड पे एक ही चीज आता है कि अभी मेरे सबसे पहले हार्ड डिस्क ले लेते हैं, उसके बाद जो है SSD लेंगे। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा करना कभी नहीं सही होगा, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, ये नहीं सही होगा। क्योंकि दोस्तों आप जब पीसी बिल्ड कर रहे हैं, ये तो जैसी बात है कि आप जो जब पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आपका पीसी बहुत अच्छा है और आप चलाना चाहते हैं बहुत ही स्मूथ और बहुत ही फास्ट। लेकिन जब भी आप हार्ड डिस्क लेते हो ना, और आरपीएम जब आप कम करके ले लेते हो या फिर हार्ड डिस्क आरपीएम ज्यादा भी ले लेते हो, तब भी एसएसडी जैसा आपको फील आएगा नहीं। अभी आप जब चलाएंगे आप देखेंगे कि यार ये जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन ही नहीं हो रहा है, ये जो पीसी ऑन हो रहा है ये ऑन होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है। तो बस रीजन यही है, इसीलिए जो है आपको पहले दिन से जो है एसएसडी को लगाना चाहिए। मान लीजिए कि आप अपने पीसी को ऑन कर रहे हैं तो 18 से 20 सेकंड के अंदर ही जो है आपका पीसी ऑन होके रेडी हो जाता है, लेकिन हार्ड डिस्क जो है ये थोड़ा टाइम लगाता है और बहुत ही स्लो काम करता है। मतलब स्लो के मतलब बस यही नहीं है कि मतलब आपको बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगा। अगर आप आपने हार्ड डिस्क यूज किया है तो आपको पता ही होगा कि हार्ड डिस्क का स्पीड कैसा है। और अभी अगर आप SSD लगाते हो ना, यहाँ पर भी बहुत सारा होता है रीड एंड राइट, आपको देख के ही लेना चाहिए। खैर मैं उसका अगर आप कमेंट करते हो तो मैं उसका भी दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा।
तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो अभी जो दोस्तों यहाँ पर SSD है, इसीलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप SSD को लीजिए पहले दिन से ही, क्योंकि आपको पहले दिन से ही आपको जो PC चला के जो मजा आना चाहिए, इसीलिए आपको SSD लेना चाहिए। अभी आप जब कोई वीडियो, गाना या फिर पिक्चर्स, आप कोई भी चीज अगर आप रखना चाहते हो तो बाद में जो है आप पैसा इकट्ठा कीजिए और बाद में जो है आप हार्ड डिस्क को लेके उसके अंदर वो सब चीज रख सकते हो। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, पैसा का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास बजट है इतना, ऐसा नहीं है, आपके पास पैसा ठीक ठाक है, अगर आप अच्छा ही लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है आप हार्ड डिस्क को छोड़ ही दो, हार्ड डिस्क अपने माइंड में लाओ ही मत, आप SSD ले लीजिए, 1TB का SSD ले लीजिए अगर आपके पास पैसा सही है तो। और जो भी मेरे भाई जो जिसके पास पैसा कम है तो वो एक 240GB का एक SSD ले लीजिए, मेरे हिसाब से 240GB बहुत है, वो ले लीजिए। और अगर आपको बाद में अगर आपको कुछ मान लो आपको ऐसा लगा कि यार मेरे जो यहाँ पर बहुत ही कम हो रहा है तो आप एक हार्ड डिस्क ले सकते हो बाद में, लेकिन पहले दिन सोचिए आपको SSD ही लेना चाहिए। दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो को बहुत पसंद आया है, अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के दौरान इस चैनल के अंदर आपको बहुत सारे सीखने के चीज जो है आपको देखने को मिलता रहता है और भी कुछ आप सीख पाओगे, इसलिए वो सब्सक्राइब करो और घंटे को दबा दो बेल आइकन को, ताकि आपको जो है हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके पास आ जाए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, बाय।